बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ मैं घर में सालन कैसे बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ आलू गाजर, और इसमें मैं ये खुश्क मेथी जो है वो डालूँगी थोड़ी सी। आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं अगर फ्रीज़ किए हुए हों तो, लेकिन मैं आज मटर नहीं डालूँगी। तो मैं सिंपल बहुत ही सादा तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से, आप अपनी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये मैंने लिए हैं गाजरें, ये हैं आलू और ये है खुश्क मेथी। ये थोड़ा सा पानी लिया है अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। ये है हमारे पास स्पाइसेस, और ये मैंने पीस लिया है, ये है गार्लिक। इसमें हम चार से पाँच जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले मैंने प्याज, ये थोड़ा सा घी डाल के ना, तो प्याज ऐसे इसमें डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, ये देखिए ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ड्राई हो गया है, फ्राई हो गया है मतलब। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप कम या ज़्यादा जितनी मर्जी सब्ज़ी इसमें ऐड कर लें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए हैं, उसके बाद मैं ये सब्ज मिर्चें भी डाल दूँगी साथ ही। ये देखिए, थोड़े से इसको फ्राई करेंगे तेज़ आग पे। बस थोड़ा सा फ्राई करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, जब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़े स्पाइसेस डालूंगी। बहुत ही क्विक बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। अब मेरे पास हैं स्पाइसेस, ये मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया है इसमें। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, एक हल्का सा चम्मच मैंने डाल दिया है। ये पीसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, ये भी एक टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। ये है नमक एक टेबलस्पून हल्का सा, और ये है मेरे पास कूटा हुआ साबुत जो धनिया होता है वो एक चम्मच भर के डाला मैंने। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है, और ये मैं हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी हल्दी। ये देखिए, ये सारे स्पाइसेस ऐड करके इनको मैं अच्छे से हला लूँगी। ये देखिए, इस स्टेज पे आग हल्की रखनी है कि ये जल ना जाए, नॉर्मल सी हो मतलब आग इसकी। अब इसके बाद जो है मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें डालने के बाद हम इसमें ये जो लहसुन मैंने पीस के रखा है, आप चाहें तो अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह नहीं ऐड करती। इन सब्ज़ियों का जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, वो इसी तरीके से आता है एज इट इज़ जैसे उनका टेस्ट होता है। इस वजह से मैं सिर्फ इसमें गार्लिक ऐड करती हूँ। आप चाहें तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। किसी सब्ज़ियों में मैं डालती हूँ, कईयों में नहीं डालती। इसमें मैं गार्लिक ज़्यादा ऐड करूँगी, और गार्लिक मैं इस स्टेज पर इसमें डालूँगी। इससे आप चेक कीजिएगा टेस्ट कितना मज़े का आता है। ये मैं डाल के, मैं थोड़ा सा पानी ऐसे डालूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, बर्तन मैंने खुला लिया है ताकि ये अच्छे से इसमें पक सके, फैलाए जा सके, मिक्स किए जा सके। ये देखिए, ये इकट्ठे इनमें गल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये पक जाएगी खुद ही। इसके बाद अब जो लास्ट चीज़ है वो मैं ये डालूँगी इसमें, एंड पे डालनी है ये मेथी जो है हमारी, ये एंड पे हम इसमें ऐसे डाल देंगे। जिनको नहीं पसंद तो वो ना डालें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, ये डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। बहुत ही ईजी है, बहुत टेस्टी है, कोई टाइम नहीं मिल लेती। ये सब्ज़ी पहले बना के रखी होगा तो बहुत ही आसान रहता है ये सारा काम। मैं सब्ज़ी अमूमन रात को बना लेती हूँ, जिससे ये फ़ायदा हो जाता है कि सुबह अगर लेट भी उठे तो जल्दी से ये हम बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं ये सब्ज़ियाँ गलाने के लिए जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, और मैंने इनको ये मिक्स कर दिया है।
अब मैं थोड़ी देर इसकी आंच तेज़ रखूँगी जब तक कि ये पानी बॉयल ना होने लग जाए। बॉयल होने के बाद ये देखिए ये पानी इसका जो है पकने लग गया है। अब मैं इनको ढक दूँगी और ढकने के बाद जो है इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये गल नहीं जाते, और मैं बाद में आपको अब चेक करवाती हूँ जब ये तैयार हो जाएगी हमारी सब्ज़ी जी। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये ग्रेवी है, इसमें थोड़ी सी अगर आप इसको ड्राई करना चाहें तो आप ड्राई कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास मेथी नहीं है, वैसे तो वो मिल भी जाती है शहर से, मार्केट से ले आएँ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हमारी जो है सब्ज़ी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।